क्या हो गया? क्या हो गया सबको? तमाशा बना रखा है, ये देखना इनको क्या हो गया। पागल हो रहे हैं, पागल। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पहाड़ी करेंगे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिंदे, पागल बना रखा है इन लोगों ने मुझे। एक्चुअली ना ऊपर से मैंने इनको कवर करा हुआ था एक चादर से विंटर्स में, और अब मैंने, अब गर्मी आ गई तो पहले तो मैंने साइड साइड से हटा दिया था, अब मैंने ये जो ऊपर की सरफेस है यहाँ से भी हटा दिया, तो अब इनको चारों तरफ से खाली लग रहा है, तो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ। देखो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, और आज मैंने एक बड़े बाउल में इनको पानी दिया तो वन बाय वन नहा भी रहे हैं उस पर। आई थिंक बाकी तो मुझे बहुत पता नहीं, अंदर ये करेंगे तभी पता चलेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बाहर नहीं निकाली, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया तो पंखे चल रहे हैं, ऐसे ही करके हमारा विंगो मर गया था पंखे से टकरा के, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अभी, बिल्कुल इनको मैं बाहर नहीं निकालूंगी इनकी सेफ्टी के पर्पज से, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी देखिए थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे, अभी तो बहुत परेशान चल रहे हैं सारे के सारे। और दूसरी बात इसमें जो तीन अंडे दिए थे क्यूटी में, वो अंडे देख नहीं दिए, खराब हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी आज संडे है, 12 बजने वाले हैं, अभी तक घर की साफ सफाई हो गई है, अरायना ने नहा लिया है, कुछ बहुत कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, चाय पानी हो गई है, अब सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ फिर जाके नहाऊंगी, तो मैं भी अब नहा लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस मैं नहा धो के तो रेडी हूँ, मतलब खाली नहा के कपड़े ही पहने हैं, ना कंघी करी है ना टीका लगाया, कुछ भी नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम था मेरे पास, कपड़े धोए, अभी ये साइड में मेरे दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं, लड्डू राधा मुरली को बहुत लाइट आज मैंने श्रृंगार किया, हल्के फुल्के गर्मियों के, जैसे हम पहनते हैं जैसे घर में ही ऐसे ढीले ढाले ऐसे कपड़े पहनते हैं गर्मी ना लगे, वैसे ही उनको भी बना रखा है। आपको जल्दी से उनके दर्शन करा देती हूँ। तो जी देखिए आज कितने हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं इन्होंने, शॉर्ट्स पहने आज शॉर्ट्स। राधा रानी फिर भी बहुत प्यारी लग रही हैं, तो बोलिए राधे राधे। और देखिए भाई लड्डू जीत के तो क्या कहने, लड्डू तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं कम कपड़े पहन के। और ये देखिए मुरली जी को देखिए आप, ओहो हो हो, नज़र न लग जाए हमारे मुरली को, किसी को भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो राधा रानी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाएं। और ये देखिए हमारे गणपति जी बस बिल्कुल आज गोल्डन बन के बैठे हुए हैं, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह, है ना भी लड्डू। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि हमने सफाई नहीं करी है, बिल्कुल सफाई कर रखी है, लेकिन अरायना कर रही है कुछ ड्राइंग, इस वजह से उसने बेड के ऊपर अपना ये एक चादर और बिछा रखा है, ये इसने पूरा पेंट से लपेट रखा है और वो कुछ बना रही है, जब बन जाएगा तो हम दिखाएंगे आपको। भाई आज मैंने लगा रखा है इनको कीनू का भोग, बिल्कुल धो के कीनू को अच्छे से, और ऐसे करके बिल्कुल पके हुए टेस्टी मीठे कीनू का, सॉरी कीनू बोल रही हूँ, चीकू का भोग इनको लगा रखा है, क्योंकि जो मैं दाल बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल, और जैसे लहसुन और प्याज इनका इनको भोग नहीं लगाया जाता, वैसे ही मसूर की जो दाल है वो बिना लहसुन प्याज के बनती नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको आज फ्रूट्स का भोग लगाया मैंने अभी मॉर्निंग में, जैसे हमने चाय पी थी तो उन लोगों ने भी पी थी, और अभी ये चीकू खा रहे हैं, बाद में मैं इनको फिर कुछ जूस वगैरह का भोग लगाऊंगी। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, अरायना की शानदार पेंटिंग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और अरायना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, सीधे से दिखा दो, 1 2 3, वाओ अरायना क्लैपिंग फॉर यू,
देखो दोस्तों कैसे बजाऊं, मैं मेरे हाथ में फोन है, खुद ही बजा ले। अभी जब मैं वीडियो एडिट करूंगी ना, तब उसमें क्लैपिंग लगाऊंगी। हाँ तो दोस्तों ये है अराइना की आज बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इस मामले में मैं हूँ 0/सन्नाटा। चेरी ब्लॉसम है वो। हाँ तो अराइना कह रही है कि इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। अगर मैं ये ऊपर से ना दिखाऊं ना कि ये किसी पेपर पे बना हुआ है, इसको मैं नीचे ले जाऊं कैमरा को, अब सिर्फ ये पेंटिंग दिखे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं आ गए हैं। एक्चुअल में HD लग रही है ना। नहीं गजब कर दिया। नहीं लव यू, तूने आज साबित कर दिया, साबित नहीं साबित साबित सॉरी, ओवर हो रहा है। तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है, तू मुझ पे ही गई है। बिल्कुल ही नहीं हूँ पे। नहीं थोड़ी तो इज्जत रख देती मेरी। नहीं, नहीं। देखो देखो मेरी बेइज्जती करके कितना खुश हो रही है, देख लो इस लड़की का। लेकिन नन्नी बहुत बढ़िया तूने पेंटिंग बनाई है। और नन्नी ने अपने फोन कवर को भी पेंट कर दिया है। किस कलर का था ये? ये था नॉर्मल वही ट्रांसपेरेंट का ब्लैक कर दिया इसने। क्या क्या करती रहती है लड़की, अब हम क्या करें। खराब होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो ये थी आज की हमारी एक्टिविटी। हमारी हमारी ना कुछ भी नहीं किया है ना। नहीं मैंने तुझे ना अप्रिसिएट किया। वाह भाई, अब मैं कल बोलूंगी कि ये हो गई हमारी आज की एक्टिविटी, इन्होंने ब्लॉग बनाया, मैं बोलूंगी मैंने आपको अप्रिशिएट किया। देखा कितनी तेज चंड। अब अब नहीं गई तू मुझ पे, देख रहे हो मैं इतनी चंटी नहीं हूँ। आप हो, मैं बहुत भोली मासूम। तेरे वो पैर में मच्छर काट रहे, तेरे वो थाई पे देख, मार इसको, कर कत्ल इसका। ठीक है देखा तो नहीं, ये तो पेंटर की निशानी है ना, काले हाथ। वो तो कलर लगा है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया, इसको तो मैं फ्रेम करवाऊंगी। नहीं मेरे को बहुत पसंद आ गई ये, मैं कराऊंगी। ठीक है गाइस, तो रात के बज चुके हैं 12 और अराइना सो गई, बट सो गई लड्डू राधा मुरली को अभी नहीं सुलाया। ये स्वर्ण भारत में देखने लगी तो लेट हो गई उसके चक्कर में। एनीवे इनको सुलाती हूँ, मैं भी सोती हूँ, कल फिर से सारे काम स्टार्ट। मॉर्निंग में अराइना का स्कूल, मेरा ऑफिस, सारी चीज़ें हो जाएंगी लाइनअप। बाकी एक्टिविटी के नाम पहले हम दोनों ने कुछ एक्टिविटी करनी थी, बट फिर अराइना जो पेंटिंग करने लगी, क्योंकि अगर या तो वो करती नहीं है या तो बहुत ही शिद्दत के साथ करती है, तो आपने देखा ही होगा कि उसने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती मेरे से इतना नहीं बनता। हाँ मेरी भी ड्राइंग अच्छी हुआ करती थी, अगर मैं कंपेयर करती हूँ इसके साथ में तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरी ड्राइंग होती थी 10th 12th में, वो उसकी अभी 6th 7th में हो गई है। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर करेंगे एंड, आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।